ओम वंदे गौ मात्रा। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज हमारे देश में महिला सशक्तिकरण यानी कहें कि स्त्री पुरुष समान अधिकार की जो बात चलती है, उसमें कुछ बातें ऐसी सामने आ रही हैं कि जिसे हम कहें कि वाकई ये समान नहीं होना चाहिए। मित्रों, विषय पे बात करते हैं। यौन संबंध बनाने के बाद अगर लड़का विवाह करने से मना कर देता है तो उस पर रेप ऑफ द प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज का केस बन जाता है। मित्रों, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँगी ताकि आपको एक एक शब्द समझ में आए। लेकिन ये जो हमने बात की थी उसके आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर लड़की यौन संबंध बनाने के बाद विवाह से इनकार कर देती है तो उस पर ये केस नहीं बनना चाहिए? विचार करिए, लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं हैं ऐसा हम कहते हैं, मगर जब घर चलाने की बात आती है तो लड़का ही घर चलाएगा। अदालत में भरण पोषण मांगते समय हमारी तथाकथित सबला लड़कियां यानी कि नारियां अबला क्यों बन जाती हैं और पुरुष मात्र एटीएम की मशीन बनकर रह जाते हैं? स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाली महिलाओं के संबंध उसी स्कूल कॉलेज के नाबालिग बच्चों से अक्सर लड़कों से अक्सर हो जाते हैं, मगर इस विषय पर कोई पिंक फिल्म नहीं बनती। हाँ, ब्लू फिल्म अवश्य बन जाती हैं। किसी महिला का पीछा मर्द करे पुरुष करे तो इसे अपराध माना जाता है, यानी कि एक तरह से कहें यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को घूरता भी है तो उसको भी अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन अगर महिला किसी मर्द का पीछे ऐसा पीछा करती है, उसको घूरती है, तो इसे अपराध की श्रेणी में नहीं आना चाहिए। लड़की अगर लड़के को थप्पड़ मार देती है तो ये नारी सशक्तिकरण का प्रतीक माना जाता है, और यदि कोई लड़का किसी लड़की को थप्पड़ मार दे तो उसका अपमान हो जाता है। मित्रों, ट्रेन बस आदि में हम अक्सर देखते हैं कि किसी लड़की को कोई टच हो गया तो थप्पड़ मार देती है, पर यदि लड़कियां टच हो जाती हैं तो चल जाता है। ये कैसा दोहरापन? पुरुषों के समान अधिकार तो इन महिलाओं को चाहिए, मगर पुरुषों के समान जीवन की चुनौतियां का सामना ये नहीं करना चाहती। लड़कियों को नारी सम्मान की भीख चाहिए, लेकिन पुरुषों का जो अपमान है ये खुल्लम खुल्ला करती हैं। मित्रों, कुछ महिलाएं इस चीज़ को अपना अधिकार या अपना कहें तो मनोबल समझती हैं। अपनी मर्जी से किसी के भी साथ ये रखेल बनकर रह जाती हैं, मगर यदि पकड़े जाएं तो उन पर भी कई बार रेप का केस लगा देती हैं। मित्रों, हमें ये सोचना होगा कि हम जिस समाज में महिला को सशक्तिकरण देने का प्रयास कर रहे हैं वो महिलाएं इस कानून का लाभ किस तरीके से उठा रही हैं। मित्रों, हमने कई बार देखा है, हम कई बार इस बात को कहते हैं महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, लेकिन ये किसके लिए? ये उन महिलाओं के लिए, पर कई बार हमने देखा है महिलाएं भी बहुत गलत आरोप लगा दिया करते हैं। यदि आप इस बात का विरोध करते हैं, आप कहते हैं कि भाई महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, पर हाँ, हम महिलाओं के द्वारा शोषण का भी उतना ही विरोध करते हैं जितना किसी पुरुष के द्वारा किए जा रहे शोषण का विरोध करते हैं। और एक आज की सामान्य बात थी। और दूसरी बात, यदि आपकी देह में कोई कैसा भी रोग है, हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जिनमें हमने बहुत सारे वीडियोस दिए हुए हैं, नियम पालन प्राणायाम की वीडियोस हैं। उसके अलावा हर वीडियो में हमने बताया कि आप अपने रोग को कैसे ठीक कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स आदि देके, तो अलग अलग प्लेलिस्ट में जाकर अपने रोग अनुसार वीडियोज चुन लीजिए और उसमें वीडियो विवरण में नियम पालन प्राणायाम दिया उसको करके अपने हर रोग का आप समाधान कर सकते हैं। और कोई प्रश्न तो टिप्पणी वीडियो पर करिए, उत्तर आपको जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।